आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे CUET UG से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट CUET UG 2024 की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगले साल 2024 से CUET में 500+ यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे CUET का प्लान है, NTA का प्लान है कि यहाँ पे CUET सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, चाहे वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सारे ही यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे CUET के ज़रिए ही, इंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए CUET के UG के कोर्सेज़ में एडमिशन हो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो यहाँ पे आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ इसलिए भी है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सीट भी ज़्यादा होती है तो स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे, और अगर यूनिवर्सिटी ज़्यादा होती है तो आपके पास मौके भी ज़्यादा होंगे एडमिशन के लिए। टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन किसी कारण से नहीं भी हो पाता है तो भी आपके पास काफ़ी मौके रहेंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप आराम से एडमिशन कहीं ना कहीं करा लीजिए। और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि CUET अगले साल से, यानी कि साल 2024 से, आप सभी के लिए बहुत सारे सेंटर्स पे आयोजित किए जाएंगे, फ्री टेस्ट्स का भी व्यवस्था किया जाएगा NTA की तरफ से। और गुड न्यूज़ एक और है कि CUET के जरिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है 2023 में और 2022 में, जब आपने देखा होगा जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनसे पूछिएगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी। अलग अलग जगह पर जाके काउंसलिंग कराना पड़ता था। जैसे अगर आप CU हिमाचल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CU हिमाचल के वेबसाइट पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरना होता था, तब आपका एडमिशन होता था। उसी तरह से BHU में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, DU में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको उनके वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता था, और काफ़ी सारा पैसा भी बर्बाद होता था स्टूडेंट का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने कारण। यहाँ पर गरीब स्टूडेंट को काफ़ी हानि होती थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगले साल से आपका जो काउंसलिंग है वो भी कॉमन होगा सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़ को एक बार में ही एडमिशन का मौका दिया जाएगा। थैंक यू।